बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाने से पहले आप गाड़ी के सारे पार्ट्स को समझते हैं, कहाँ से स्टीयरिंग है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ क्लच है, ये सब चीज़ें, आपको गियर कहाँ है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, इनको बहुत ही गौर से देखिए और इनको सिर्फ़ एक दफ़ा सिर्फ अपनी आंखों से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनको याद रखिए, इन चीज़ों को। आपको आइंदा वीडियोस में मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ आपकी एक ऑब्ज़र्वेशन बढ़ाने के लिए है कि आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या क्या चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुज़र रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको याद रखें, ताकि जब हम आपको नेक्स्ट इस चीज़ को सिखाएं कि ये कैसे होता है, सारा बनता कैसे, हैंडवर्क होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको पता चले कि हैंडवर्क किन किन चीज़ों से गुज़र के बनता है, हाथ का काम किन चीज़ों से गुज़र के बनता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब आप अपने जहन पे रखें और याद रखें। और ये पैटर्न्स आपको दिखा रही हूँ, इन पैटर्न्स को याद रखें, देखें, इन पर गौर करें। जितना ज़्यादा आप गौर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको काम समझने में आसानी होगी। इन सब पैटर्न्स को स्लोली स्लोली आराम आराम से गौर से देखें कि ये कैसे पैटर्न्स बने हुए हैं, किस तरह के बने हुए हैं। ये सब चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। आपने सबसे पहले ये देखें, हाथ से बना हुआ है एक एक काम, एक एक सितारा हाथ से लगाए, एक एक मोती हाथ से लगाए, और उसको लगा के उन्होंने ये जो खूबसूरती के साथ कपड़ों पर जो रंग बिखरते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते। ब्राइडल ड्रेसेस जो इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, वो ये हाथ के काम से और एक एक टांका उठा के ये ड्रेसेस बनते हैं। आप इन पैटर्न्स को बड़े गौर से देखें, ऑब्ज़र्व करें। इनकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। आपको नाज़नीन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत से लोगों को भी यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने जो उनका टैलेंट है वो दिखाएं लोगों को। हमारे ऐसे डिज़ाइनर्स बहुत मौजूद हैं जो कि बिहाइंड द सीन रह के काम करते हैं और उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं की मेहनत का नतीजा होता है। हम उन सब को आहिस्ता आहिस्ता सामने लेकर आएंगे जो इतनी मेहनत से हमारे लिए ड्रेसेस तैयार करते हैं, और ऐसे ऐसे ड्रेसेस के देख के आँखें जो है ना वो खुश हो जाती हैं, कि नज़र आता है कि क्या खूबसूरती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। एक एक चीज़ की सिलेक्शन, एक एक चीज़ को चूज़ करके उसको कहाँ किधर फिट करना है, उस चीज़ को पैटर्न में कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, इतना सारा मटेरियल मौजूद होता है हमारे पास, उस मटेरियल को किस जगह पर फिट करना है और इस खूबसूरती के साथ करना है कि वो खूबसूरत चीज़ बन के सामने आए। अभी आप पैटर्न्स देख रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके एक पैटर्न बनाया गया है, तो कपड़े के ऊपर वो कहते हैं ना रंग बिखर जाते हैं। ये सब हाथ से हुई हुई है, सबसे बड़ी बात है, ये सब किसी मशीन का काम नहीं है, ये एक इंसान का जो अपने हाथों से खूबसूरती से अपने हाथों की स्किल यूज़ कर रहा है, ये उसके काम है सब। अभी देखिए, एक इतना सा ये ब्राइडल का पैटर्न है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ों को हाथ से एक इंसान ने अपने हाथ से सुई धागे से लगाया है। ये आप पैटर्न्स गौर से देखिए, इस काम को समझना है आपने, अर्न करना है आपने भी, डिज़ाइनिंग के उसमें आना है, फैशन इंडस्ट्री को समझना है, तो ये सब चीज़ें बहुत गौर से देखिए। इनकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, बेल का आइकन दबाइए ज़रूर, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में समझ सकें कि एक्चुअली ये काम होता कैसे है। अभी सिर्फ आपके लिए एक पैटर्न आपको दिया है कि सिर्फ आप इसको वॉच करें और बड़े ही गौर से देखें, इसकी एक एक चीज़ पे गौर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मज़ीद मालूमात, मज़ीद आपको बहुत सी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पर, और आप अगर समझते रहे, इन टच रहे, तो आप भी कल अपना ब्रांड खुद से बना सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।